नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बनाई हूँ जहाँ पे नजदीकी बेकरी अवेलेबल नहीं रहती है और हमको केक और पेस्ट्री खाने का मन तो करते ही रहता है, बट हमको बासी खाने के सिवा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं रहता है। तो बहुत ही इजी वे में मैं उसी का एक उपाय लेके आई हूँ। आपका जब भी केक और पेस्ट्री खाने का मन करे, बच्चे जिद करते हैं, तो आप उनको एकदम फ्रेश केक और पेस्ट्री जैसा चीज बना के खिला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए लिया है हमने, ये देख रहे हैं, मैरी बिस्किट को। एक पैकेट मैरी बिस्किट है हमारे पास और ये मैंने लिया है 5 to 6 इसी स्पून से पीसी हुई शुगर चीनी, और यहाँ पे ये थोड़ा सा दूध, 1 टेबल स्पून लेंगे कॉफी पाउडर, और यहाँ पे लिया है मैंने बटर। मैंने दूध में ये 1 टेबल स्पून कॉफी, देखिए एक से डार्क ब्राउन कलर का घोल लिया है, और ये शुगर में इसको पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पिसी हुई शुगर में मैं बटर से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी ले लें, घी भी नहीं है आपके पास तो जो दूध की मलाई रहती है उसको ले सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी ये 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब इसका मैं ऑप्शन बता रही हूँ आपके पास, बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद आता है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो घर में बच्चे बोन बीटा खाते हैं या इस टाइप का कोई भी चीज लेते हैं तो उसके इसमें डाल सकते हैं। और इसका हम एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट जो है रेडी कर लेते हैं। ये हमारा पेस्ट जो है रेडी हो गया है, अब इसको हम साइड में कर देते हैं। अभी हमको क्या करना है, ये मारी बिस्किट को ऐसे डिप डिप करके इसमें और ऐसे रखते जाना है, एक के ऊपर एक। ऐसे ही हम सारे बिस्किट को जितना बड़ा बनाना है आप ऐसे रखते जाएं। इसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको स्पून की मदद से या हैंड की मदद से सब तरफ से ऐसे इसके सब तरफ ऐसे लगाएंगे हम। पहले से यहीं पे रख के लगा लेते हैं। तो ये देखा आपने कि सभी तरफ से मैंने इसको लगा लिया है। अब इसको मैं एल्युमिनियम फॉइल में मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल है तो मैं इसको इसमें लगा दे रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन ले और इस तरह से बंद करके अच्छे से और इसको ऐसे रोल कर दें, और इसको हमको फ्रीजर में रखना है 2 घंटे के लिए। तो ये मेरे पास पहले का बना हुआ रखा हुआ है। अब मैं इसको कट कैसे करना है वो भी देखना जरूरी है, तो इसको कट करके दिखाती हूँ। ये हमारा रोल है तो इसको सीधे नहीं काटना और इसको ऐसे भी नहीं काटना। कैसे काटना है, एक कॉर्नर से पकड़ के ऐसे आड़ा आड़ा काटना है हमको। तो देखिए मैंने कट किया है और आप देख रहे हैं ये इतना सुंदर दिखता है। मेरी यही कोशिश रहती है कि कहीं भी कोई भी हो कितनी आसानी से कोई चीज बना सके, तो उसी का एक ये भी प्रयास था। आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और ऐसे ही किसी नेक्स्ट आइडिया के साथ इजी वे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।